राजधानी में अपराधियों के मनोबल काफी बढ़े हुए हैं। इसका ताजा उदाहरण तुपुदाना थाना क्षेत्र में देखने को मिला। पशु तस्करों ने महिला दरोगा को वाहन से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 राउंड गोलियां भी चलाई, जिसके बाद वाहन पलट गई। वाहन पलटने के बाद वाहन पर सवार ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वाहन की स्पीड काफ़ी तेज थी और वो खूंटी से रांची की ओर आ रही थी। पशु तस्करों की सूचना पुलिस को रात के 1 बजे मिली, जिसके बाद तुपुदाना पुलिस ने रिंग रोड के पास चेकिंग शुरू की। रात के 2 बजे खूंटी की ओर से एक तेज़ रफ्तार बोलेरो पिकअप आती दिखी तो महिला दरोगा ने गाड़ी को हाथ दिया, लेकिन वो रुकी नहीं। वाहन चालक ने दरोगा को रौंदते हुए भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने 2 राउंड गोलियाँ चलाई, जिससे पिकअप पलट गया। पुलिस ने पिकअप सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पिकअप के कुचलने के बाद दरोगा को रिम्स भेजा गया। रिम्स में इलाज के 2 घंटे बाद महिला दरोगा संध्या टोपनो की मृत्यु हो गई। संध्या टोपनो के शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। संध्या टोपनो 2018 बैच की SI थी। वो तुपुदाना थाने में पदस्थापित थी। मूल रूप से खूंटी जिले के रानिया थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। उनकी मृत्यु से झारखंड पुलिस में शोक की लहर है ना। इसमें गोली भी लगा है। हाँ, गोली भी लगा है। इससे पता चलता है कि पशु तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी में गोबर है, गोबर के अवशेष है। इससे पता चलता है कि ये पशु तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। गाड़ी चेक कर लीजिए, गाड़ी कितनी तेज गति से होगी। अच्छा, इधर का ही पत्ता चल रहा है।